बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम बरकत के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। बनाएंगे आज हम तुर्किश स्वीट डिश, और बहुत ही सिंपल और मज़े की है, डिफरेंट है। ईद आ रही है तो सोचा क्यों ना आज आपसे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की जाए। तो मैंगो हैं, इसको मैंने छिलकों से रिमूव कर लिया है। इसको ब्लेंडर में डाल के इसका विदाउट वाटर एंड मिल्क शेक रेडी करेंगे। क्रीम है मेरे पास 3 से 4 चम्मच, फ्रेश क्रीम आपने ले लेनी है। कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड ही हम लेंगे, मैंगो की रेसिपी है तो कस्टर्ड भी मैंगो की ही होगा। 2 से 3 चम्मच मैंने दूध के लिए लिए थे और 2 चम्मच भर के मैंने चाय वाले कस्टर्ड के लिए लिए थे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ है, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था लो हीट पे, और ये बिल्कुल रेडी है। चीनी मैंने टेस्ट के हिसाब से इसके साथ ही ऐड कर दी थी। कस्टर्ड अब इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कस्टर्ड डालते साथ ही आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो इसको करते हैं मिक्स। कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको करेंगे ठंडा। तो तब तक वेट करें, और हम मैंगो का करेंगे मिक्सचर, और ठंडा होने के बाद हम बाकी इसकी जो सी रेसिपी है वो आपसे शेयर करेंगे। कस्टर्ड को थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया हुआ था। अब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। थोड़े से मैंने मैंगो के क्यूब्स कस्टर्ड में ऐड कर दिए थे जब ये ठंडा हो गया था। बिल्कुल नॉर्मल से किए हैं, ज़्यादा नहीं। तो इसको एक डालेंगे अब खुले से बाउल में। बाउल को कस्टर्ड को मैंने बाउल में डाल दिया है। अब ऐड करेंगे इसमें मैंगो का पल्प। जब मैंने इसको ब्लेंड किया था तो 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी के ऐड कर लिए थे, क्योंकि अभी सीज़न है स्टार्ट का, तो अभी जो से मैंगो हैं वो इतने मीठे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी वो ऐड कर ली थी। अब ऐसे ही हम डालेंगे चम्मच की मदद से कस्टर्ड के ऊपर आम का पल्प। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा मैंगो का पल्प ऐसे ही मैंने इसके ऊपर डालना है। वन लेयर मैंने कस्टर्ड की, वन लेयर मैंने मैंगो पल्प की ऐड कर दी है। इसमें सबसे लास्ट में हमने जो क्रीम ली थी इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से बीट कर लिया है। डेकोरेशन के लिए ज़बरदस्ती हम इसके ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, और फिर इसको हम रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। फिर हमारा आज का यमी सा टर्किश कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। किसी भी स्टिक की मदद से आपने इस क्रीम को कस्टर्ड के ऊपर आपने अच्छा सा थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना है, और ज़बरदस्त सी आज की हमारी टर्किश डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आज की यह सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआओं में याद रखें, फीडबैक अपना ज़रूर देते रहा करें। बहुत शुक्रिया जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।